ना मेरा एक बयान अभी आया है तिहत्तर फिरकों वाला वो करके बस मैं शैतान पे फिर शैतान की तरफ आता हूँ मेरा बयान अभी एक आया है एक पोडकास्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है कि इस उम्मत में तिहत्तर फिरके होंगे तो जो लोग कहते हैं फिरका सारे फिरके गलत हैं तो हदीस में आता है कि बहत्तर फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में तो मैंने ये कहा कि वो एक भी तो फिरका ही होगा ना क्या ख्याल है भाई अगर सारे फिरके गलत हैं तो वो एक भी क्या होगा वो भी तो फिरका ही होगा तो मेरा ये बयान चला उस पर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ कि नहीं नहीं वो फिरका नहीं होगा वो तो जमात होगी अलजमा वो क्या होगा अलजमा होगा ये जवाब दे के जिन लोगों ने यह जवाब दिया ना वो और ज्यादा फंस गए हैं ठीक है ना अगर सिर्फ फिरका कह देते ना तो बचत हो जाती उन्होंने क्या कह दिया कि वो वो फिरका नहीं होगा जो जन्नत में जाएगा वो क्या होगा अल अलजमा बात सही है वो अल अलजमा होगी लेकिन होगा फिरका जिसको नबी ने क्या कहा है जमातुल मुसलिमी कहा है सवादुल मुसलिम कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जन्नती बहतर जहन्नमी जो एक है वो बाकायदा जमात होगी मुसलमानों की वो दो चार लोग नहीं होंगे लिहाजा उस जमात से चिमटे रहना अब देख लो जमात ज्यादा को कहते हैं या कम को कहते हैं जो जमात से टूट के अलग होता है उसको फिरका कहा जाता है जो जमात में रहता है उसको फिरका नहीं कहा जाता अब आप देख लो सदियों से जो तवातुर से इस्लाम चला आ रहा है वो तो चार मकाब्र हैं हनफी मालिकी शाफी हम्बली जो सब एक दूसरे को दुर समझते हैं तो जमात तो वो है जो उससे टूटेगा वो क्या होगा सबसे पहले शिया लोग टूटे अहले सुन्नत वाल जमात से वो टूटे वो सहाबा के रास्ते से ट्रैक से अलग हुए उन्होंने कहा हमने सिर्फ पहले बैत को फॉलो करना है इस दावे में वो कितने सच्चे कितने झूठे वो वो जाने लेकिन साहबा से क्या हुए वो हजरत उमर को नहीं मानते हजरत उस्मान के फैसलों को नहीं मानते हजरत अबू बकर के फैसलों को नहीं मानते अल जमात में सबसे पहले तो खुल्फा राशिदीन है तो खुलफा राशिदीन के मकतब को किसने फॉलो किया ये तो आईमा अरबा ने फॉलो किया है तो जो उस जमात से टूट के अलग होगा जो मेजोरिटी मुसलमानों की जुमहूर उम्मत की चली आ रही है वो फिरका कहलाएगा जो उससे चिमटा रहेगा वो फिरका नहीं कहलाएगा कमाल की बात यह यानी वो फिरका फिरका तो कहलाएगा वो वाला फिरका जो जहनमी है वो नहीं कहलाएगा बल्कि जन्नती फिरका कहलाएगा देखो नबी ने फरमाया ना उम्मत तिहत्तर सतफ तरीको उम्मती तिहत्तर हिस्सों में बटेगी तो बटेगी तो बहत्तर हिस्से और एक जो है वो भी तो हिस्सा ही होगा ना उसको हिस्सा कहें फिर कहें लेकिन उसके जन्नती होने की एक अलामत ही होगी वो जमात होगा वो क्या होगा वो बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे और ये सारे दाएं बाएं निकलने वाले ये टूटे हुए लोग होंगे कमाल की बात है जो स्कॉलर्स टूटे हुए हैं उम्मत की मेजॉरिटी से वो अपने आप को अलजमा कह रहे हैं और जिनसे टूटे हैं उनको जहन्नमी कह रहे हैं आई बात समझ में खोपड़ी शरीफ में एक और आसान मिसाल दूंगा फिर बहुत अच्छी तरह आएगी लेकिन पहले ये थोड़ा मुश्किल वाली समझ लें आप क्योंकि कुछ लोगों का मेंटल लेवल अच्छा भी होता है वो समझ भी जाते हैं मुश्किल मिसालें भी मुश्किल ये भी नहीं है ना बहुत आसान है तभी नबी ने से साहब साहब ने नबी से पूछा जब आखिर वक्त में फिर कवारीियत फैल जाएगी फितने फैलेगी हम क्या करें आपने फरमाया फरमायाज़मू जमात अलमसलमिन मुसलमानों की जमात और उनके इमाम कोई इमाम हो तो इमाम को क्या करना है लाजिम पकड़ना है शुजूज़ नहीं करना शुजूज़ का क्या मतलब टूट के अलग अलग चीज़ें नहीं बनाना तो अलग अलग तो आपने बनाई हैं हम तो सदियों से चले आ रहे हैं मेरे जो अकीदे हैं जो मेरे अकाबिर के अकीदे हैं वो तो तबइईन तबा तबइन सबसे मिलते हैं वही अकीदे जो साहबा के थे वही अकीदे जो ताबईन के थे वही अकीदे हैं जो आई मैं मुश्तिन के कोई एक अकीदा हमारा दिखा दो वलमय देवबंद का जो साहबा ताब इन के खिलाफ हो कोई एक भी आप नहीं दिखा सकते कोई एक अमल हमारा ऐसा दिखा दो जो साहबा के खिलाफ हो हमारी नमाज दिखा दो साहबा के खिलाफ हमारी जक़ात दिखा दो साहबा के खिलाफ हमारा रोज़ा दिखा दो साहबा के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकते आप हाँ कुछ अकीदे ऐसे हैं जिनके बारे में साहबा खामोश हैं ना उनसे इनकार साबित है ना उनसे इकरार साबित है तो उनकीदों में हम कहते हैं आप भी आज़ाद हैं कोई भी अकीदा रख लो क्योंकि उसके बारे में साहबा से हमें कुछ मिलता नहीं है इतनी क्लियरिटी है यार हमारे मसलक में और जिस मकतब है फिकर को हम फॉलो करते हैं हाँ नाम देवबंदी बाद में पड़ा है वजह उसकी ये थी कि रेलवी बाद में आए थे तो उनसे फ़र्क करने के लिए देवबंदी क्या पढ़ा बाद में नाम पढ़ा समझते हो कि नहीं समझते हो तो इसी तरह तस्व फिकाह फिका की असला एक नबी अलैहि वसल्लम के दौर में फिकाह का लफ्ज किसी और माना में इस्तेमाल होता था दीन की समझबूझ को क्या कहा जाता था फिकाह जो आजकल के स्कॉलर्स में नहीं है मेजॉरिटी में बॉसों में है भी उसको फिका कहा जाता था लेकिन बाद में जो इस्लामी क़ानून है ज़ाहरी आमाल ये जायज़ है ये ना जायज़ है नमाज में ये करने से सदा साहब यह करने से नमाजी बातिल इन मसाइल को क्या कहा जाने लगा फ़िकी मसाइल फ़िका इसको कहा जाने लगा तो ये टर्म है अब कोई कह फ़िका का मतलब नबी के दौर में इस्लामी कानून पर उसका इतलाक़ नहीं होता था लिहाजा मैं फ़िका कोई नहीं मानता तो ये जहालत होगी कि नहीं होगी म कहेंगे इस्लामी कवानीन तो नबी के दौर में भी थे वजू के मसायल भी थे तहारत के मसाइल भी गुसल के मसाइल भी जकत के मसाइल भी थे इसको अलग से नाम नहीं दिया गया था फिका का तो नाम बाद में ऐजाद हुआ है तो नामों से क्या होता है भाई समझता है कि नहीं समझता है नामों में क्या रखा है आपने कंपनियों का इश्तिहार देखो ना मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए वजह उसकी है कि नाम तो कोई भी किसी का रख सकता है तो इसी तरह याद रखो तस्वफ का हासिल क्या है कि बातिन की असलाह करना तो ये काम नबी के दौर में था इसको अलग से नाम नहीं दिया गया नाम बाद में रखा गया है देखो नबी के दौर में सुन्नत मौकदा थी कि नहीं थी साहबा कुछ सुन्नतों को बड़े एहतमाम से पढ़ते थे और कुछ सुन्नतों को ज्यादा एहतमाम नहीं किया करते थे बाज लोगों ने सुन्नत मौकदा ही का इनकार कर दिया यह भी जहालत है कि सुन बस पाँच नमाज़ें फ़र्ज हैं सुनत मौदा की कोई हैसियत नहीं है ऐसे लोगों से इल्ज़ामी दलील से बात किया करें कोई ये कहता है ना कि सुन्नत मौदा सिरे से है ही नहीं और वह हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लम के दौर में एक साहबी ने कहा मैं सर पाँच नमाजें पढ़ूँगा और चंद बातें कि आपने फरमाए जिसने जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले तो उसने कहा कि भाई उन लोगों ने वो इस्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें सुन्नत मौदा तो कहीं है ही नहीं सर पाँच नमाजें हैं तो उन लोगों से हमारा सवाल यह है कि अगर कोई फजर की भी दो सुन्नतें छोड़ दे सारी जिंदगी तो क्या कोई हरज है उन साहबी ने तो फजर की सुन्नतों का भी जिक्र नहीं किया अगर कोई सारी जिंदगी वितर ना पड़े तो भी कोई हरज नहीं है जबकि वितर ना पड़ने को तमाम मुहदसिन फुकाहा वितर छोड़ने वाले को कुछ तो हराम नाजायज कहते हैं कुछ कहते हैं शदीद मलामत का मुस्तक इमाम अहमद इबने हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताज हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो वितर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी गवाही मकबूल नहीं है वो गवाही देने का हल नहीं है क्यों इन्होंने देखा हदीसे नहीं पढ़ता हम में से नहीं है इन अल्लाह सलातन अला वही अलवितर अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया है वो क्या है वो वितर है अलमानी ने इस हदीस को सही कहा मैं आसफ अलबानी का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये लोग हमारे खिलाफ जब वितर के बारे में दलील देते हैं ना और या हमारे खिलाफ जो भी दलीलें तो अलबानी रही का हवाला देते हैं कि उन्होंने हदीस को सही कहा या गलत कहा इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूं समझता है कि नहीं समझता इतनी सारी हदीसों को कहां लेके जाओगे और फजर की दो सुन्नतों की किस कदर ताकीद है और चलो अगर सुन्नत -मौकदा का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फर्ज है या आम सुन्नत है तो मेरा एक सवाल है फजर की दो रकतों में हम छोटी किरात करते हैं या लंबी किरात करते हैं बोलो ना लंबी लंबी किरात है ना मगरिब की नस्बत फजर की नमाज छोटी होती है या लंबी होती है किरात में आप मुझे बताओ आपका इमाम अगर फजर की पहली रकत में इन्ना आतना कल का अवसर पड़े और दूसरी में कुल अल्लाह पढ़े और यही मामूल बना ले आप बर्दाश्त कर लोगे इमाम को कि भाई तू तो मगरब ऐसे पढ़ा रहा है जैसे फजर ऐसे पढ़ा रहा है जैसे मगरब आप उसे जवाब में यह कह सकते हो कि ये फर्ज है फजर की दो रकत जो पढ़ी जाएंगी उनमें लंबी किरात क्या है फर्ज है आप ये कह सकते हो इमाम को फर्ज तो नहीं है अगर फर्ज होती तो फिर इन्ना आतईना से नमाज होती नहीं आप जवाब में ये कहोगे भाई ये सुन्नत है फजर की दो रकतों को तूल देना क्या क्या अमल है सुन्नत अमल है इन्ना आता ही ना आप मगरिब में पढ़ लें चलो कभी कभार फजर में हो जाए सफर में आप थे या कहीं थकावट थी तो एक अलग बात है नॉर्मली फजर में लंबी खरात करना सुन्नत है जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना कोई लाजिम तो नहीं है ना आपने कहा हाँ जी हमने तो बाज स्कॉलर्स को सुना है कि या तो फर्ज होता है या सुनत सुन्नत मौक़द तो कुछ होता ही नहीं है आप कहो हाँ सुन्नत है तो क्या जब जरूरी नहीं है उन सहावी ने तो कहा था पांच नमाजें फर्ज हैं पांच नमाजें क्या हैं फर्ज हैं तो मैं ये पाँच नमाज पढ़ ली ना मैंने फजर की हो गई ना इन्ना तीना से भी तो हो गई ना आप जवाब में कहोगे भाई आम सुन्नतों की तरह नहीं है फजर की दो रकतों को तूल देना ये सुनत मौकदा है नबी ने हमेशा फजर की दो रकतें लंबी पड़ी हैं तो बता दिया कि फजर पढ़ने का ओरिजिनल तरीका यही है तो जैसे फजर की दो सुन दो रकतों को तूल देना लंबा खींचना सुन आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुआकदा जो इमाम यह काम नहीं करेगा काबिल मलामत होगा उसको इमामत से निकाला भी जा सकता है यार तो रोजाना इन्ना आतईना से फजर पढ़ा रहा है यह क्या कर रहा है भाई इन्ना आतईना पढ़ता है दूसरी मक्र पढ़ता है ये फजर है या है मगरबाई समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो कहे को फर्ज वाजिब तो नहीं है ना उसे कहा जाएगा सुनत मौक् है और जो सुन्नत मौकदा को छोड़ देता है वो काबिल मलामत होता है और वाजबुल अखराज होता है आप पतली गली से निकलो हम कोई तमीज का इमाम लाएंगे जो फजर तमीज से पढ़ाए तो इसी तरह जैसे नमाज के अंदर की कुछ सुन्नतें आम सुन्नतें कुछ सुनतें मौक्ए ऐसे ही नमाज के बाहर की भी सुन्नतों में कुछ आम होती हैं कुछ सुन्नतें मुआकदा होती हैं तो, तो फजर की जो दो फर्ज है अब मैं एक और मिसाल आपको देता हूं फजर के दो फर्ज इमाम आके पढ़ाता है उससे पहले ना घर में सुनने पढ़ता है ना मस्जिद में आके पढ़ता है डायरेक्ट घर से आया मुसल पे खड़ा हो गया ना आपने एक महीना देखा यार इमाम साहब ही नहीं पढ़ते आपने घर पे पढ़ते होंगे ज्यादा नहीं कहीं घर पे पढ़ के आते होंगे आपने पूछ लिया इमाम साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आप फजर की दो सुन्नते हमेशा घर पे पढ़ते हैं माशाल्लाह वो इमाम ने कहा नहीं मैं घर पे नहीं पढ़ता आपको गलत फहमी हुई है आप कहेंगे फिर मस्जिद में मस्जिद में तो नजर नहीं आए तुमने कहा मैं पढ़ता ही नहीं हूँ क्योंकि हमने फला 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 का बयान सुना है उसमें है कि पांच नमाजें फर्ज हैं सुन्नतें बोलो पढ़ लो पढ़ लो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना कोई भी ऐसे इमाम को छोड़ेगा नहीं कहा जाएगा ये जो दो फर्ज के साथ पिछली दो सुन्नतें हैं ये तमाम सुन्नतों में सबसे ज्यादा मक़द सुन्नतें हैं तभी बाज अम्मा का की राय तो यह है कि अगर जमात खड़ी भी हो जाए तो आप मस्जिद के बाहर दो सुन्नतें पढ़ लें बशर्ते के आपको जमात में शामिल होने का यकीन हो बाज हजरात की यह भी राय है इनकी ताकीद की वजह से और बाज से साबित है कि छोड़ते नहीं थे किसी कीमत पे तो बस चंद एक हदीस यहां से मिली एक वहां से मिली उठा के पूरे क्लिप बना बना के लोग क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं ज़ल्लू व अजल्लू हदीस में जो आता है ना कि किब क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे तो तो सुन्नत का लफ हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगा ये एक टर्म है लेकिन सुन्नत मौकदा मिलेगी ये लफ्ज नहीं मिलेगा साहबा के दौर में यह अतलाहत नहीं थी बाद में फुका कराम नेमा ने अवाम में आसानी पैदा करने के लिए कि हर इबादत को उसका मकाम दिया जाए तो उसके लिए असलाहत ईजाद की हैं नबी के दौर में तो फर्ज भी उस माना में नहीं था जो जिसमें हम फर्ज कहते हैं सुन्नत को भी फर्ज कहा गया है फर्ज को सुन्नत कहा गया है नबी ने फरमाया मन आरान सुन्नति फलई समी जो मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मुझसे नहीं है तो इससे सुनत थोड़ी मुराद है इससे फर्ज मुराद है क्योंकि सुनत का लफ्जी तर्जमा है तरीका नबी ने फरमाया जो मेरे तरीके से हटेगा वो मुझसे नहीं है तो इसमें तो फर्ज भी दाखिल है इसमें सुनत है मौकता भी दाखिल है इसमें वाजिबात भी दाखिल है लेकिन बाद में यह जो इस्तिला है सुन्नत की यह फर्ज से फर्क करने के लिए अब हम कहते हैं यह फर्ज है या सुन्नत है आप कहते हैं भाई सुन्नत है तो अब यह किसी और सेंस में इस्तेमाल हो रही है लफ्ज समझते हो कि नहीं समझते हो